हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 12, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिटायरमेंट डेथ ऑफ द पार्टनर्स. एग्जाम्पल 23, EFG आर द पार्टनर ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 4:3:3. ई रिटायर ऑन द 31/3/2015. बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन डेट डे वॉज अस अंडर. बराबर, यानी 4:3:3 में जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ओल्ड रेशियो है. बराबर, न्यू रेशियो यहाँ 4 नंबर में दिया हुआ है, 4:1. ओके, यहाँ बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट, यहाँ हमें जो लास्ट नंबर जो कैश में डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके लिए कैश अकाउंट हमें बनाया, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो यहाँ देखो क्या करेंगे, फर्स्ट कैश और कैपिटल दोनों की बैलेंस लिख देंगे. यहाँ कैपिटल की 8000, 5000 एंड 2000, और कैश की लिखेंगे 400, वो यहाँ डेबिट साइड लिख देंगे. ओके, देन वैल्यू ऑफ द गुडविल इज 4000. गुडविल जो 4000 है उसको यहाँ पहले क्या करेंगे, गेन रेशियो फाइंड करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर एफ और जी का. तो ये माइनस करने से 5/10 और 1/10 आएगा. ओके, यहां वैसे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसे डिवाइड सेम करना पड़ेगा. बराबर, तो आराम से हमें अमाउंट मिल जाएगी. पर इसमें देखो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, माइनस में आया, यानी ओनली एफ ही गेन कर रहा है. बराबर, तो तीनों में यहां लिख लिया है कि एफ का है वो 4000 × 5/10 ये लिखा, और ई का 4000 × 4/10 ये फर्स्ट का है वो. बराबर, और जी का 4000 × 1/10 ये दोनों रिसीवेबल है और ये पेबल है. यानी क्या होगा, एफ कैपिटल अकाउंट 2000, ई एंड जी कैपिटल अकाउंट 1600 एंड 400. तो ये दोनों की एंट्री यहाँ एफ के कॉलम में ई और जी का लिखेंगे, ई और ई जी कैपिटल अकाउंट एंड जी कैपिटल अकाउंट, और यहाँ एफ कैपिटल अकाउंट लिख के दोनों के कॉलम में, ई के कॉलम में और जी के कॉलम में. ओके, गुडविल कंप्लीट. सेम वैसे ही हर एक सम में एक ही टाइप की गुडविल है, उसमें कोई एक्स्ट्रा चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है. बराबर, वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट इज टू बी एप्रिसिएट 20%. बराबर, बाय 20%. यहां लैंड एंड बिल्डिंग दी है 6000 और उसके 20% करते हैं तो 1200 रुपीज, वो यहां प्लस हुआ. प्लस हुआ यानी सेम साइड यहां रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड. देन स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यू बाय 10%, ये याद रखना है. आगे कोई भी सम में ऐसा नहीं दिया है. ओवर वैल्यू यानी क्या होगा, ये 6600 स्टॉक दिया हुआ है. बराबर, ये 6600 स्टॉक है, यहां देखो 10 जो वैल्यू थी उसमें 10 ओवर वैल्यू है, यानी 110 की वैल्यू दी हुई है. 110 इज इक्वल टू 6600 एंड 100 हाउ मच. बराबर, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 110 करोगे इज इक्वल टू 6000 मिलेगा. यानी स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू 6000 वो यहां हमें लिखनी है. तो कम कितना हुआ, 6600 था, तो 600 जो कम हुआ है वो हमारा लॉस हुआ, वो डेबिट साइड लिख देंगे. न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया, उससे तो कोई करने की जरूरत नहीं. एंड अमाउंट ई इज पेड इन कैश, चलो पेड उसमें कर देते. ई का जो भी डिफरेंट वो तो रियलाइजेशन बाद में लिखेंगे, पर जो भी डिफरेंट निकलता है वो कैश में देना है. और बैलेंस कैश बैलेंस यानी कैश का जो बैलेंस है वो 1000 रखना है. बराबर, तो वो पहले से लिख देते 1000. और दूसरी एंट्री यहां एसेट साइड, ओके बैलेंस शीट में. Then maintain for that proposal F and G bought a cash in such a way as make their capital proportionate to their new profit and profit sharing ratio. बराबर, capital के जो भी amount बचती है वो और बाकी के जो amount है वो मिला के हमें new ratio में उसमें लिखना है. बराबर, तो यहां देखो new ratio 4:1 है, तो पहले क्या करेंगे, पहले तो ये बंद कर देंगे, पहले ये बाकी है वो एंट्री कर देते. जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्रेडिटर्स
वो डायरेक्ट लिख दें, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल वैसे ही लिख दिया दोनों। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशियो में। देन फर्नीचर, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिया। फिक्स एसेट दोनों में थी, यानी इसमें भी 20% यहां ऐड किया हुआ है। ओके, डेप्टर्स 9000, उसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं था, डायरेक्ट लिख दिया। ओके, कैश तो हमने अलग से लिखा है, बस ये कंप्लीट हो गया। बराबर, फिक्स एसेट दोनों थी, दोनों में हमने किया क्योंकि फिक्स एसेट बोला हुआ है, दोनों में हमें 20% प्लस करना है। चलो, ये फर्नीचर जो प्लस किया उसकी एंट्री, यहां टोटल करने से डिफरेंट निकाला 1400 हमारा प्रॉफिट हुआ। उसमें ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4:3:3 में। यहां डेबिट साइड, तो यहां लिखेंगे क्रेडिट साइड। बराबर, अब मेन चीज जो रिटायर हो रहा है, ई रिटायर हो रहा है, तो उसका टोटल किया, उसमें से ये ई का माइनस किया, यानी कैश की जो एंट्री है वो कंप्लीट हो गई। बराबर, ये जो कैश में हमें पेड करना है, यानी ई का अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। बराबर, अब क्या करना है मेन, अब इसको जो न्यू रेशियो में रखना है वो, यहां देखो कैश का बैलेंस कितना है, ये दोनों हमारे पास अभी नहीं है, ये टोटल करने से उसमें से 400 माइनस करेंगे तो कैश का बैलेंस निकलेगा 11160। बराबर, जो यहां लिखा है वैसे ही किया हुआ, ये दोनों का टोटल करके ओपनिंग बैलेंस उसमें से माइनस किया हुआ है। बराबर, बाकी कैपिटल का दोनों का ई एफ और जी दोनों का जो डिफरेंट निकाल दे, तो डिफरेंट कितना निकला 3720 एंड 3120। बराबर, तीनों का टोटल 18000। बराबर, न्यू कैपिटल कितनी हुई 18000, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:1 में, यानी 14400 एंड 3600। और दोनों जो कैपिटल निकली, एक एंट्री यहां लिखेंगे लायबिलिटी साइड और दूसरी एंट्री यहां कैपिटल में डेबिट साइड। बराबर, दोनों की कैपिटल हमने लिख दी, तो उसके बाद जो डिफरेंट निकलता है, यहां जो डिफरेंट निकलता है एफ और जी का, वो किस में लिखना है, कैश में लिखना है। बराबर, इसका डिफरेंट निकला है 10,680 और इसका डिफरेंट निकला 480। बराबर, ये दोनों कैश में लिखना है, तो दूसरी एंट्री यहां लिखेंगे, कैश अकाउंट क्लोज कर दिया, ये भी क्लोज हो गया। बराबर, अब ये जो है टोटल दोनों साइड सेम आ गया, यानी हमारा आंसर सही है। अब मेरी बात सुन लो, सब सम्स एग्जाम्पल्स के सेम वैसे ही एक्सरसाइज में दिए, जो आपको बताए थे वैसे ही करना है। इसके आगे के सम करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने 30% जो कॉस्ट रिड्यूस किया हुआ है उसमें से ये निकल गया। बराबर, इतने ही सम्स करने, उसके आगे कोई करने की जरूरत नहीं है।